हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिजों का भौगोलिक वर्णन या क्षेत्रवार वर्णन। क्षेत्रवार से वर्णन है कि मध्य प्रदेश की जो चारों क्षेत्र है, चारों दिशाएं हैं, उनमें किस प्रकार से कौन सा खनिज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खनिज हुआ, मिट्टी हुआ, वन हुआ, जल हुआ, और मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्ट्रक्चर हुआ, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रश्न मध्य प्रदेश के ला चुकी हूँ। मध्य प्रदेश का इतिहास हो, मध्य प्रदेश का भूगोल हो, एक रात को मैं एक मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि ये वाला लिंक कहाँ मिलेगा, ये वाला वीडियो, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर सब्जेक्ट की, हर पेपर की, पेपर फर्स्ट से लेके पेपर सिक्स तक मेंस के लिए। साथ ही जो मैं मध्य प्रदेश के 5000 वन लाइनर करा रही हूँ जीके का, वो और मध्य प्रदेश का करंट वन लाइनर अभी ला नहीं पाई हूँ मैं 5-6 दिन से, क्योंकि मेरे पास अभी मध्य प्रदेश के नोट्स का काम चल रहा है। तो जैसे ही वो हो जाएगा तो ऐप में आपकी वीडियो भी कंटिन्यू कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में खनिजों का क्षेत्रफल वर्गीकरण। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये मध्य प्रदेश का पूरा भाग है, इसमें तीनों पेपर सामने, केवल 1500 रुपये में आपका मध्य प्रदेश के पूरे भाग आपको मिल जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जो क्षेत्र हैं वो कंप्लीट रहेंगे, भले वो पेपर फर्स्ट का हो, सेकेंड का हो, थर्ड का हो, 4 से 5 फाइलें आपके लिए ये रहेंगी। खनिज उत्पादन के राष्ट्रीय परिदृश्य पर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश देश के 8 खनिज संपन्न राष्ट्रों में से एक है। जब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो जब ये अलग हुआ छत्तीसगढ़, तब उसके पहले तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अलग होने के बाद मध्य प्रदेश देश के 8 खनिज संपन्न राष्ट्रों में से एक है। मध्य प्रदेश में इस समय 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है, जिनका क्षेत्रवार वर्गीकरण इस प्रकार है। अब हम थोड़ा सा मैप में लोकेट करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि हम MBBPSC में भूगोल का पेपर तैयार कर रहे हैं, भूगोल का नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है मैप। मैप को आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। एक मैं लेके आऊँगी एक वीडियो आपको, वहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप कितना जल्दी हम बना सकते हैं वो बनाना बताऊँगी। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि मैप में हमको ये चीज़ शो करना है यहाँ पे कि कौन सा जो पार्ट है मध्य प्रदेश का वो किस क्षेत्र को बताता है। जैसे कि आपका ये ऊपर का ये चंबल क्षेत्र है, ये चीनी मिट्टी का क्षेत्र है, मतलब ग्वालियर में आपको पता है चीनी मिट्टी होती है, तो ये ग्वालियर में जो है चीनी मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद ये आपको पता है यहाँ पे झाबुआ है, तो झाबुआ में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। फिर यहाँ पे पाया जाता है डोलामाइट। ग्रेफाइट क्षेत्र बैतूल में, वोल्फ्राम क्षेत्र ये दक्षिण का साइड, मैग बालाघाट है, तांबा है, बालाघाट पे ही मैग्नीज तांबा पाया जाता है। ये सीधी सिंगरौली पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है वो कोयला क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोयले की खदानें हैं, सिंगरौली जिसको ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है, शहडोल यहाँ पे है, ये पन्ना सागर, पन्ना यहाँ पे हीरा क्षेत्र है, पन्ना जो है यहाँ पे सापन्ना है, और पन्ना हीरा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, विश्व में ख्यात है यहाँ का हीरा, और एकाधिकार प्राप्त है मध्य प्रदेश में भारत में मध्य प्रदेश को हीरे के लिए। ये जो जबलपुर का क्षेत्र है और चूना क्षेत्र, लोहा क्षेत्र और फिल्सपार का क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको मैप में लोकेट कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। मैप बहुत अच्छे से बनाइएगा अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको जैसे कि अंदर नहीं लिखाता है तो आप ऐसे ही बाहर भी लिख सकते हैं इनको, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे मेन जरूरी बात है मैप जरूर बनाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश कौन सा भाग आ जाएगा, मतलब ये वाला, ये पूर्वी मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये पूर्वी, ये दक्षिण मध्य प्रदेश और ऊपर वाला उत्तर मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र हैं। अब पूर्वी मध्य प्रदेश में देखते हैं क्या कौन कौन से भाग आते हैं। तो प्रदेश का सर्वाधिक खनिज संपन्न देश है,
यहाँ उद्योगों की जननी और सोया हुआ सोना अर्थात काला सोने को क्या बोलते हैं, काला सोना, उसको कोयले को बोलते हैं काला सोना, अर्थात कोयला यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज इस प्रकार, अब हमारे पूर्वी क्षेत्र के जितना भी खनिज रहेगा वो मैं बताऊँ। फ्रेंड्स, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही मेरा नोट्स है, मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, प्रिंट से पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए, हैंड रिटन जितना अच्छा होता है, हमको बस याद करना रहेगा और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो पहला है कोयला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में कोयला होता है और पूर्वी क्षेत्र का ये वाला जो पार्ट है, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पे कोयला होता है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पे है, ये एल्यूमिनियम का अश्क है और वायुयान उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शहडोल, सतना, रीवा, अनूपपुर जिलों में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कोरंडम। कोरंडम पीपरा, परकोटा, सीधी में होता है। नेक्स्ट है बैराइट। बैराइट रीवा और सीधी में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है रीवा, सतना, सीधी आदि जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है। गेरू कहाँ पाया जाता है, मिट्टी जो होती है वो सतना, रीवा और सीधी में। इस प्रकार से हमने अलग अलग खनिज लिखे और ये अलग अलग खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये लिखे। अब हम देखेंगे दक्षिणी मध्य प्रदेश। दक्षिणी मध्य प्रदेश मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये बैतूल आते हैं, दक्षिण पूर्व में अगर हम देख लें तो बातू, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सभी आ जाते हैं इसमें, है ना। तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में आते हैं, जैसे कि हमारा मैप है ये, है ना, और ये आपकी नर्मदा सोन घाटी है। तो इसका जो दक्षिण वाला पार्ट है ये जो हो जाएगा वो दक्षिणी मध्य प्रदेश, मतलब ये हमारी नर्मदा सोन घाटी है ये वाली, इसका जो दक्षिणी मध्य प्रदेश होगा, दक्षिणी भाग होगा, वो दक्षिणी मध्य प्रदेश कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पाई जाती है, सबसे मेन खनिज होता है मैंगनीज, पाया जाता है बालाघाट और छिंदवाड़ा में। फिर पाया जाता है तांबा, तांबा मलाज खंड में पाया जाता है बालाघाट की। फिर ग्राफाइट बैतूल में पाया जाता है। टंगस्टन आगरगांव होशंगाबाद में पाया जाता है। फिर डोलामाइट, डोलामाइट वालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। अभ्रक, अभ्रक बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने दक्षिण के जितने भी खनिज थे, मैंगनीज, तांबा, ग्राफाइट, टंगस्टन, डोलामाइट, अभ्रक के बारे में लिखा। अब हम देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है, तो रॉक फॉस्फेट पाया जाता है झाबुआ अलीराजपुर में, मैंगनीज पाया जाता है झाबुआ खरगोन में, एस्बेस्टोस झाबुआ अलीराजपुर में, अभ्रक झाबुआ में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब फ्रेंड देखिए, हमारे तीन हो गए हैं लेकिन बचा क्या है हमारा यहाँ पे उत्तर का, तो हम लिखेंगे उत्तर का क्षेत्र। उत्तर का क्षेत्र जो है वो चीनी मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पे चीनी मिट्टी पाई जाती, इतना लिखेंगे और फिर हम नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश खनिजों, मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ है। तो आप लिख दिए गए निष्कर्ष में, इस प्रकार मैं यहाँ पे अलानी पायु विक्चर, इस प्रकार हम मध्य प्रदेश खनिज संपदा से, मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ है, जिसको हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं, उपरोक्त दिए हुए विवरण द्वारा समझ सकते हैं, ऐसा आपको लिख लेना है। तो आपका इस प्रकार से ये आंसर आपको 3-3.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन और मैं रात को आपको मध्य प्रदेश की राजनीति का प्रश्न लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। फ्रेंड, ये मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं और आप इनको मंगा सकते हैं। ये सभी नोट्स की प्राइस लिखी हुई है यहाँ पे, आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश सबसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ये कर लिया है तो आपका 50-60% और ज़्यादा ही आपका मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। केवल 1500 रुपये चार्ज है इसका और ये सभी पार्ट मध्य प्रदेश के आपको इसमें मिल जाएगा। 4-5 फाइलें रहेगी, मध्य प्रदेश का विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण, मिट्टी, जनांक की सब, जितना भी पार्ट है मध्य प्रदेश का आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, पढ़ने में बहुत आसानी होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के लिए भी, और आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नोट्स लेके, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे जुड़ गए हैं, जो कुछ टॉपिक ऐसे जुड़ गए हैं जो जिनके नोट्स नहीं मिलते हैं, तो मैं उसके लिए जल्दी ही आपके लिए नोट्स लेके आती हूँ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, राइटिंग रोज कीजिएगा, राइटिंग डेली कीजिएगा, जो मैं आंसर आपको ये देती हूँ
कोशिश कीजिएगा कि अपने मन से इसको खुद से लिख के देखें, बार बार देखें कि आप इसको तय किए हुए समय पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि 6 नंबर का प्रश्न लिख रहे हैं तो उसमें 1 पेज दीजिए, और हर वो क्वेश्चन आप बड़ा कर रहे हैं उसका कोशिश कीजिए कि उसका 6 नंबर बना पाएँ, उसका 3 नंबर बना पाएँ, कि इस क्वेश्चन से 6 नंबर में कितना आता है। जितना आप अपना दिमाग चलाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपना दिमाग अपन जितना यूज़ करेंगे, अपना दिमाग उतना शार्प होता है, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।